इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने कमरशाली गांव में मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के तहत 150 पेड़ घनी आबादी वाले छोटे क्षेत्र में लगाए गए। भविष्य में यह क्षेत्र मियावाकी वन में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ और हरा भरा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस दौरान क्लब के अध्यक्ष सोनाली तरवे ने कहा, हमारा उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाना है। अभी तक हमने सत्र की शुरुआत से लगभग 350 पेड़ अलग अलग जगह पर लगा चुके हैं। मियावाकी वन निर्माण तकनीक से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह क्षेत्र जल्दी ही घने जंगल में परिवर्तित हो जाए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेक्रेटरी राखी झुनझुनवाला, आईपीपी सुमन गौरीसरिया, वाइस प्रेसिडेंट कविता राजगरिया, रिया अग्रवाल, रश्मि गुप्ता, सुनीता बर्णवाल, शशि जैन क्लब के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और वृक्षारोपण के महत्व पर चर्चा किया। हम इस तरह के वन शहरी क्षेत्र में भी अधिक से अधिक बनाने का प्रयास करेंगे ताकि पर्यावरण को इससे लाभ मिले, तथा सभी सदस्यों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए इस तरह के प्रयास करते रहेंगे। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गांव के निवासियों का भी धन्यवाद किया और आने वाले समय में और अधिक वृक्षारोपण अभियान आयोजित करने का संकल्प लिया। आज इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन की तरफ से आज हम लोग यहाँ कमरशाली गांव में आए हुए हैं। यहाँ हम लोगों ने तकरीबन 150 प्लांट का पौधा रोपण किया है। हमारा उद्देश्य यही है, ये हम लोग एक डेंसली छोटे से जगह में डेंसली इस पौधों का पौधा रोपण कर रहे हैं ताकि ये छोटा सा फॉरेस्ट के जैसा दिखे और ये एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कमरशाली गांव में छोटे से एरिया में तकरीबन 150 पौधों का आज हम लोगों ने पौधा रोपण किया।